श्री दशमेश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं तृप्ति उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द अव्यय। देखिए अव्यय किसे कहते हैं। अविकारी का अर्थ है अ प्लस विकारी, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हों उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मय आदि बोधक। आइए आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब, जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, यहाँ पर जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक विशेषण एवं चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। आइए हम देखते हैं रीतिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर तेज रीतिवाचक विशेषण है। मेरी बहन अच्छा गाती है, यहाँ पर अच्छा रीतिवाचक विशेषण है। इसकी पहचान होती है क्रिया के साथ कैसे प्रश्न से की जाती है। जैसे घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है। मेरी बहन कैसा गाती है, मेरी बहन अच्छा गाती है, तो ये रीतिवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट है कालवाचक विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बस 4 बजे चल पड़ी, बस कब चल पड़ी, 4 बजे। माता जी शाम को टहलने जाती है, माता जी कब टहलने जाती है, 4 शाम को। अगला है स्थानवाचक विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तोता ऊपर बैठा है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाकर। तोता कहाँ बैठा है, तोता ऊपर बैठा है। बहुत से आम नीचे गिरे हैं, बहुत से आम कहाँ गिरे हैं, बहुत से आम नीचे गिरे हैं, मीन्स स्थानवाचक विशेषण हो गया ये। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतना मत खाओ, कितना मत खाओ, इतना मत खाओ। शाम बहुत दूध पीता है, शाम कितना दूध पीता है, शाम बहुत दूध पीता है। ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।